हेलो एवरीवन, आई एम आशीष नोटियाल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे और अच्छे से ही सबकी प्रैक्टिस चल रही होगी हमेशा की तरह। आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं दादरा ताल के कुछ और प्रकार, जो कि ज़्यादातर गानों के बीच में बजाए जाते हैं या अक्सर आप भजनों में और गानों में इन्हीं ठेकों को सुनते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ या जो अब तक मैं बताता हुआ आया हूँ। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा था दादरा के कुछ ऐसे प्रकार, मतलब जो कि दादरा बजाते हैं उसे डबल में जाने, इसे खेमटा भी बोलते हैं। तो खेमटा ताल के, हालांकि जैसे कि धा धी ना धा ती ना, तो खेमटा ताल में बहुत सारे वेरिएशन आ जाते हैं। जैसे कि थोड़ा तेज स्पीड में जो बजाया जाता है उसको हम खेमटा ही बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रकार मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ और कुछ मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। आप लोग अगर दादरा के कुछ भी गाने सुनेंगे खेमटा टाइप के, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें सुनने के लिए मिल जाती हैं। तो वही मैं आपको, क्योंकि मैं अक्सर आपको वही चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ जो मैं खुद बजाता हूँ, गानों में चलती हैं, जो रियल होती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऐसा प्रकार मैं बताता हूँ जो यूज होता ही नहीं है, तो उसका आपको सीखने का भी कोई फायदा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो साइड में आप नंबर देख रहे हैं, इस पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर व्हाट्सएप पर भी है, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। और अगर आप YouTube से ही सीखना चाहते हैं तो मैं ढोलक और तबले के बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने लेसन्स अपलोड किए हैं। आप अगर ढोलक सीखना चाहते हैं तो ढोलक के बिल्कुल बेसिक से वीडियोस आप देख सकते हैं। चैनल के होम पेज पर जाएं, वहाँ आपको लेसन वन से मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, लर्न ढोलक स्टेप बाय स्टेप, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जीरो से लेके वहाँ से सीख सकते हैं। तबले का भी मैंने सेम अपलोड किया हुआ है, उसमें 10-11 लेसन अपलोड हो चुके हैं, तो उसको भी आप वहाँ से सही तरीके से मतलब सीख सकते हैं एक तरफ से, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि पहले कौन सा लेसन देखना है फिर कौन सा देखना है। और बहुत सारे मेरे को आजकल फ़ोन आ रहे हैं और मैसेजेस आप लोग करते हैं कि यूट्यूब से हमें समझ में नहीं आता है तो हम ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं। तो ऑनलाइन क्लास लेने में अगर आप सक्षम हैं आप, तो आप ले सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की, देखिए मैं ग्रुप क्लासेस नहीं देता हूँ कि बहुत सारे एक साथ ही मैं जोड़ दूँ स्टूडेंट 10-11 और फिर क्लास दूँ, ऐसे मैं नहीं करता हूँ। एक बार में मेरा मतलब क्लास में एक ही स्टूडेंट रहता है, हफ्ते में मैं ज़्यादातर एक क्लास देता हूँ। वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो मतलब हफ्ते में दो क्लास लेना चाहते हैं तो उसकी थोड़ा सा फीस बढ़ जाती है, फिर डबल हो जाती है फीस, ठीक है। फीस जो भी अगर है उसकी मैं आपको, आप फ़ोन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब से सीखने का भी सही तरीका, आपको समझ है, आप सही से पकड़ पाते हैं तो यूट्यूब से भी आप सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से नहीं सीख सकते हैं, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। जैसे कि आप लोग कमेंट करते हैं किसी गाने के साथ, अभी मैं इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ आपको कि पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपको मेन ताले पता लग जाए, मेन बोल पता लग जाए, फिर इन्हीं बोलों में से ही गानों में भी बजाए जाते हैं। फिर जो ज़्यादा एडवांस टेक्निक होती है, ट्रिक्स होती है कुछ, हालांकि संगीत में कोई ट्रिक्स यूज नहीं होती है, इसका कोई आसान तरीका नहीं है, इसका एक ही तरीका है, पूरा फोकस आपका अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रहे और सही तरीके से प्रैक्टिस करें, बस यही एक इसका ट्रिक है, टिप्स भी यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं कि समझाने का तरीका होता है कि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो उसको मैं सही तरीके से अगर समझा पाऊँ तो उसके लिए आप क्लासेस, जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस करते तो उसमें सब मैं बता देता हूँ। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इसका जो एक पहला, ज़्यादातर आप सुनते होंगे जैसे हम दादरा या खेमटा जो बजा रहे हैं डबल में, ये मैं बता चुका हूँ। बहुत ज्यादा लगाया जाता है कहीं पर, जैसे म्यूजिक पार्ट आता है तो वहां पर, तो देखते हैं इसको आपने किस तरीके से बजाना है ये वाला, ठीक है। ये तीन बार बजाया जाएगा, सेम बोल रहेंगे, ती ऐसे ज्यादा थपकी से नहीं, हल्का सा ती ता ता। अच्छा, ता के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, का भी यूज कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड से ये का बोल है तो इसको भी ऐड करेंगे ता के साथ, ती ता ता ती धा ता, ये चीजें बजानी है। अभी देखिए धा कैसे बजाया हमने, ती ता ता, ता ता के साथ, दोनों ता के साथ का लगा, फिर लगा ती धा ता, धा को जंप करना है जिससे इसका फील जो अच्छा बना रहे, ती ता ता ती धा ता ती ता ता ती धा ता, समझ गए, ती ता ता ती धा ता ती ता ता ती धा ता,
सिंपल है, चित्ता ता चित्ता ता चित्ता ता चित्ता ता चित्ता ता चित्ता ता धा 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 धा। अभी यहाँ पर समझने वाली बात है, ती ता ता ती धा ता ती ता ता ती धा ता ती ता ता ती धा ता, ये हमने पूरे तीन बार बजाया है, यही वाला बोल, ती ता ता ती धा ता, तीन बार इसको बजाया और उसके बाद लास्ट में किया हमने धा 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 धा, अलग अलग बजाएंगे तो छह धा आ रहे, नहीं तो क्योंकि ये जैसे लिखा हुआ है धा 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 धा, मतलब तीन बार बजाना है तीन मात्राओं में, ठीक है, धा जंप हो रहे हैं सारे धा 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 धा, ऐसे जंपिंग बेस के मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो आप देखें जंपिंग बेस कैसे बजाया जाता है, धा लास्ट वाला बता रहा हूँ धा 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 धा, समझ गए, ज़्यादा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, चित्ता ता चित्ता ता चित्ता ता चित्ता ता चित्ता ता चित्ता ता धा 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 धा, ऐसे ही इसको बजाना है। नेक्स्ट की हम अगर बात करते हैं तो दूसरा वाला है धित्ता धा तित्ता ता, अच्छा ये वाला प्रकार ज्यादातर अंतरे में बजाया जाता है, जब किसी गाने का अंतर शुरू होता है जैसे कि स्थाई शुरू हुआ तो धित धीना ता धीना ता धीना ता धीना ता धीना ता धीना अंतरे का ता धीना ता धीना ता धीना ता धीना ता धित्ता धा धित्ता ता धित्ता धा 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 धित्ता धा, इस तरीके से इसको बजाया जाता है। अभी इसको देखते हैं कैसे बजाना है। अभी मैं आपको याद दिला दूं, पिछली वीडियो में जो मैंने आपको प्रकार बताया था ना, धित्ता ता तिद्धा ता धित्ता ता तिद्धा ता धित्ता ता तिद्धा ता, उसी का ही इसको पलटा समझ सकते हैं, पलटे का मतलब इसको थोड़ा विस्तार किया है, उसी का ही विस्तार रूप ये है, ये वाला है। तो कैसे बजेगा, धीता धा धी सिंपल ता धा, इसको आप थपकी से भी बजा सकते हैं धी, और सिंपल भी बजा सकते हैं धित्ता धा चित्ता ता, ऐसे ही बजा सकते हैं और ऐसे भी बजा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर ती आ रहा है वहाँ पर थपकी बजाएंगे तो ये थपकी वाला पैटर्न भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन जहाँ पर जरूरत हो थपकी बजाने की वहीं पर आपने बजानी है, ठीक है। धी धी जो है ये सिंपल बजेगा, बी साइड से सिंपल, बिल्कुल एकदम ना स्लिप ना ओपन, सिंपल यहाँ पर हाथ रख के धी शुरू वाला बोल धी ता धा, अब जब धा का नंबर आएगा तो वहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड करना है, स्लिप करना है बेस को, धी ता धा ती ता ता, ठीक है, फिर है ती ता धा ती धा ता, यहाँ पर नोट अगर आप थोड़ा सा नोट करने वाली बात यह है कि ये जो धा है उसको हम स्लिप कर रहे हैं, धी ता धा ती ता ता ती ता धा ती धा ता, लास्ट वाला जो धा है वो बिल्कुल सिंपल, लास्ट वाला धा और शुरू वाला धी सिंपल है, बीच की जो दो धा है उनको हम स्लिप कर रहे हैं, कैसे, धी ता धा ती ता ता, उसके बाद ती ता धा ती धा ता, ऐसे इसको बजाना है, कैसे, धी यहां से ऐसे बजाया ता धा ती ता ती ता धा ती धा ता, ठीक है, समझ गए। अब ये बजता कैसे, धित्ता धा धित्ता ता धित्ता धा 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 धा, इस तरीके से आप इसको बजा सकते हैं। नेक्स्ट जो है एक और बता देता हूँ, ये बोल है धी धी ना ती धी ना धी धी ना ती धी ना, बहुत मतलब गानों में आपको सुनने के लिए मिलेगा है कि धी ना ता धी ना ता धी, ये हर बार नहीं बजाया जाएगा, ठीक है, चेंज भी होना चाहिए, चेंज करने के लिए फिर अगर आप छल्ला पहनते हैं तो जो धी और धी धी ना ती धी ना ती धी धी और ती का जो साउंड आएगा वो आप छल्ले से निकाल सकते हैं, छल्ले वाला गरबा जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है, छल्ले से आप निकाल सकते हैं ऐसे धी धी ना ती धी ना धी, अच्छा धी पे जो स्लिप कर रहे हैं धी, और यहाँ शुरू एक पहला वाला जो धी है वो छल्ले से बजा रहे हैं धी धी, दूसरा वाला जो धी आएगा वो यहाँ बे साइड से इंडेक्स फिंगर से पीछे और यहाँ से इंडेक्स फिंगर से ती अंदर साइलेंट है, धी धी ना, ना के साथ आप चाहे काका यूज कर सकते हैं, हाथ नीचे रख सकते हैं, धी धी ना, उसके बाद ती ती जो है ऐसे ही आएगा ती धी, ठीक है, और ना धी धिन ना ती धिन ना धी धिन ना ती धिन ना ती
धी ना ती धी ना धी धी ना ती धी। अच्छा धी ऐसे बजाया धी ना। अब जैसे कि धी धी ना के बाद जो ती आएगा ये वाला, इसके साथ हल्का सा चाहे तो बेस भी लगा सकते हैं यहाँ से इंडेक्स फिंगर से, अपने आप ही लग जाती है वैसे। लेकिन आप अगर नोट करेंगे इस चीज़ को कि जब चौथे नंबर का जो बोला रहा है ती ती, तो हल्का सा ये वाली उंगली अपने आप ही यहाँ पर लग जाती है ती, और लास्ट में फिर धी ना, इतना ही बोला धी धी ना ती धिन ना धी धिन 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 ना ती धिन ना ती धिन ना धी धिन ना ती 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 धिन ना। तो इसको किस तरीके से बजाना है एक बार लास्ट टाइम फिर से नेक्स्ट, धी धी ना ती धी ना धी धिन्ना ती धिन्ना, शुरू वाला धी स्लिप कर रहे हैं, ठीक है, धी धी ना ती धी ना, इतना ही यह है। इसे नेक्स्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा आपको सुनने के लिए मिलेगा, मतलब ये सुनने के लिए कम मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये मैं खुद ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसलिए आपको भी बता रहा हूँ, है ना। तो अक्सर जो अच्छे, मतलब ज़्यादातर जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं वो कुछ ना कुछ इस तरह की अच्छी चीज़ें लगा के जाते हैं, तो उनको अक्सर नोट करना चाहिए। आप अपनी तरफ से भी बजा सकते हैं, अपने बोल बना सकते हैं जैसे कि आप सुनते हैं गाने, और सपोज आपको बोलों का अच्छा नॉलेज है तो आप अपने आप काउंट करके बोल बना सकते हैं, उन बोलों को फिर यूज कर सकते हैं संगत में। तो ज़्यादातर बोल ऐसे होते हैं जो खुद के बनाए हुए होते हैं, ज़्यादातर मैं जो आपको बोल बताता हूँ वो अक्सर मैं खुद ही बनाता हूँ कि हाँ ये इस तरीके से बजना चाहिए, ये इस गाने में ऐसे बजेगा तो इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ जैसे मैं गाने सुनता हूँ तो गानों में से एकदम से बोल को उठा लेता हूँ इस तरीके से भी, लेकिन आपका एकदम से रहना चाहिए फोकस पूरा गाने पे, कैसे बज रहा है कहाँ पर, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, ठीक है, ये बहुत ही एडवांस है और बहुत ही जबरदस्त टुकड़ा है, तो ये आपको जरूर सीखना चाहिए। इसके बोल है धा धा, शुरू में धा धा बजाया, धा धा, शुरू वाला धा जंपिंग, दूसरा वाला धा सिंपल, यहां से तो ताई बज रहा है, दोनों एक साथ बजेंगे तो धा बनेगा, धा धा तेर किट तक तक तेर किट, ठीक है, धा धा तेरे किट तक तक तेरे किट तक तक तेरे किट, ऐसे आना चाहिए, ठीक है, धा धा तेरे किट तक तक तेरे किट तक तक तेरे किट, दादरा वाला भाव आना चाहिए, दादा तेरे किट तक तक तेरे किट तक तक तेरे किट, दादा तेरे किट तक तक तेरे किट तक तक तेरे किट, ऐसे नहीं, दादरा वाले भाव में लाना पड़ेगा आपको इसको, जैसे बोल लिखे हुए वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे, दादा तेरे किट तक तक तेरे किट तक तक तेरे किट, तक पर जोर देना है, ठीक है, धा धा तेर किट तक, एक तक तो ऐसे बज रहा है, दूसरा वाला तक तेर किट तक तक तेर किट, फिर धिन्ना ती धिन्ना, ठीक है, शुरू हो जाएगा। अच्छा ये लगाने कहाँ पे हैं, ये सारे सम से सम तक के टुकड़े, बीच में कोई गैप नहीं है, जैसे कि ठीक है एकदम धी धीना ते धीना दादा तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट तक धीना, सम से सम तक के टुकड़े हैं तो उनको कन्फ्यूज नहीं होना कि ये कहाँ से लगेंगे, ये सम से लगेंगे, सम तक ही जाएंगे, ठीक है। एक बार इसको फिर से देखते हैं, धा धा तेर किट तक तक तेर किट तक तक तेर किट, ठीक है, धा धा, बेस भी देखते रहें, धा धा तेर किट फिर तक तक, एक तक ऐसे में बजा रहा हूँ अंदर, एक तक ऐसे बजा रहा हूँ, तक तेर किट फिर तक तक तेर किट धा। अभी बजेगा कैसे सारा, तक तेरे किट तक ता धा दिना, ये पहले वाला बोल है, ता दिना ता दिना ता दिना, तक तेरे किट तक ता दिता ता दिता ता दिता ता दिता ता दिता ता दिता दिता ता 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 दा 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 दिना 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 दा 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 दा।
ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करें। कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करूँगा अगर आपका कोई अच्छा सवाल रहेगा तो, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, थोड़ा सा सपोर्ट किया करें, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं ये वीडियोज अपलोड करता हूँ। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर किया करें वीडियो को, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप फ़ोन कर सकते हैं मुझे और मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बने रहें वीडियो के साथ, ऐसे ही लगातार वीडियोस देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें। अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में वीडियो को, जिसको ज़रूरत हो उसको ही शेयर करना है, ठीक है। जिसको आप चाहते हैं कि हाँ कोई ढोलक या तबला सीख रहा है उसको ज़रूरत है तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ढोलक तबला हारमोनियम कुछ भी अगर आप मंगवाना चाहते हैं घर में ही, मतलब अगर आपके आसपास कहीं शॉप नहीं है जहां ढोलक तबला या हारमोनियम कुछ मिलता हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको, मतलब क्योंकि यहाँ पर है मेरे एक फ्रेंड है जो कि मतलब जिनकी शॉप है वो अच्छे से ढोलक तबला बनाते हैं, तो मैं पहले आपको कुछ पिक्चर्स भेज दूंगा, उसके बाद आप चाहें तो उसको ऑर्डर करके घर पे भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।